गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज परी आ गई अपने नानी के घर से, और बस अब उनकी नानी जाने वाली हैं अपने घर। वो हम लोग बोल रहे थे रुक जाइए, बट वो नहीं रुकी क्योंकि घर पे भी उनको जाना था। जा रही हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं हो रहा है वो परी को छोड़ के जाएँ, तो जाते जाते भी परी को ली हुई और वो रो रही है जाने के लिए। बस परी के नाना नानी चले गए, और उनके नाना बार बार जाते जाते परी को ले रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना चाह रहे थे परी को। एंड क्योंकि वहाँ भी सोना सोना हो गया है। उसके बाद परी कर रही थी मस्ती, वो टीवी देख रही थी, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है वो, बहुत क्लैपिंग कर दो। अभी तुमको ही करा रही डांस। बैठिए बेटा, पेट पे पकड़ो आप उसको, लड्डू करो। ये जो संभाल नहीं पा रहे, यही मेरा छोटा वाला बेटा अद्विक उसको संभाल ही नहीं पा रहा, वो उल्टा उसे ही डांस करा रही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे उसकी डांस को देख के। एंड जब उसे बोल रहे हैं क्लैपिंग करो तो वो क्लैपिंग नहीं कर रही है, और जैसे मैं शूट करना बंद कर दे रही हूँ उसके बाद वो तुरंत क्लैपिंग कर रही है। ये देख रही, समय मैं बनाने जा रही हूँ दही की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है और हल्की होती है। इतनी गर्मी में थोड़ा सा हल्का खाइए, अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ दही की सब्जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही की सब्जी, और उसके साथ सिंपल सी रोटी अच्छी लगती है, हल्की हल्की। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ।
सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू उबाल लेंगे, और बहुत ज़्यादा हम सब्जी नहीं बनाएंगे, इतने आलू में भी थोड़े आलू हम लोग बचा लेंगे क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं खाते, और ये सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मैं इसको गीली गीली बनाती हूँ, चम्मच से खाती हूँ। तो बस इसको मैं सबसे पहले उबालूँगी। दही की सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, ना प्याज ना टमाटर, बट लहसुन मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप चाहिए तो लहसुन भी ना डालिए, सिंपल तरीके से बनाइए, लेकिन मुझे लहसुन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। तो इतना पूरा लहसुन मैं छील लूँगी एंड इसके साथ मैं मिर्चा कट करके डालूँगी। तो लहसुन सारा मेरा छिल गया है एंड आलू भी मेरा उबल गया है, तो बस मैं आलू छील लूँगी। तो इतने ही आलू का मैं बनाऊँगी, दो तीन आलू निकाल के रख दूँगी, तो बस मैं फटाफट छील लूँगी अपना आलू। मुझे जितना बनाना था उतना आलू मैंने छील लिया है, तो बस मैं इतने आलू का बनाऊंगी, और आलू मैंने रख दिया है और दही मैं फेंट के रख ले रही हूँ। तो दही ही मेन होता है, तो मैं एक कटोरी, बड़ी कटोरी भर के दही लूँगी, और बाद में मुझे कम लगेगा तो मैं और दही डालूँगी। तो दही को लेके मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये खड़ा खड़ा बिल्कुल ना रहे, तो बस इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। अब मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 चम्मच, और उसमें मैंने डाल दिया है जो मैंने लहसुन छीला था उसको कूट के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा मिर्चा, मैंने कट करके ही हरा मिर्चा डाला है, ये थोड़ा सा ब्राउन होगा हल्का सा, उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, और बहुत ही हल्का मसाला पड़ता है इसमें। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, हल्का सा गर्म मसाला, और मेन इसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर। और अगर आपके पास लाल मिर्च हो थोड़ा कड़वा बनाना हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और जो दही मैंने फेंटी थी वो दही मैंने इसमें डाल दी। तो आप देखिए कितना इजी ये दही की सब्ज़ी होती है। और अगर आपको लहसुन नहीं डालना हो तो आप मिर्च, जीरा, हल्दी, थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर डाल के डायरेक्टली आप दही डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। हाँ, दही आपकी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो मुझे दही थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और दही डाला इसमें। तो दही मेरा खड़ा ना रह जाए तो इसको मैं मथ दे रही हूँ अच्छे से, ताकि मेरा दही अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, आलू को मैं फोड़ के डालूँगी, और एक आलू को मैं अच्छे से फोड़ दूँगी ताकि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। वैसे ये ग्रेवी पतली होती है क्योंकि दही पतला हो जाता है, इसमें टमाटर प्याज कुछ नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं एक दो आलू अच्छे से मैश करके डालती हूँ। तो जितना आलू डाला मैंने फोड़ के ही डाला है, कट करके नहीं डाला।
तो आप चाहिए तो इतना गाढ़ा भेज सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा पतला करूँगी तो मैं थोड़ा और पानी डालूँगी, और मुझे खट्टा थोड़ा कम लगेगा तो मैं नींबू या मैं खटाई डालूँगी, तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी पिसी हुई खटाई। मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया है, तो ये 5 मिनट तक अच्छे से उबल जाएगा तो ये मेरी सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। तो आप देखिए कितनी जल्दी ये दही की सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। सब्ज़ी मेरी बनके हो गई थी रेडी, तो बस मैं इसको खाली करके रख ले रही हूँ। इस समय मैंगो का टाइम है, तो इधर मेरी देवरानी मैंगो काट रही है, मतलब आम कट कर रही है, और इस समय का आम बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मीठा आम आ रहा है इस समय, बहुत अच्छा आम आ रहा है। तो सीज़न में आप जितना खाइए अच्छे से एंजॉय कीजिए आम को, सीजन फल तो खाना ही चाहिए, सीजन सब्जी हो या फल हो, तो आम तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। बच्चों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी बच्चों को खाना दे दूँ, तो बस मैं अब 9 बजे ही खाना दे देती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे जब छुट्टियाँ चल रही थी तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, देर में खाना खाते थे। इस टाइम मैं 9 बजे बच्चों को खाना दे के दूध दे के सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह से ही बच्चों का क्लास स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे कि स्कूल में होता है 1:30 बजे तक, मेरे एक बच्चे का 1:30 से 2 बजे तक चलता है, मतलब 7-7:30 बजे से बच्चे मेरे बैठ जाते हैं, तो 2-2:30 बजे तक एक बड़े वाले बेटे का चलता है और छोटे वाले बेटे का मेरा 12:30 बजे तक चलता है। तो इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, एंड बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ना लगे रहे, ज़्यादा मोबाइल ना देखें, इसलिए मैं एक बच्चे के लिए मुझे लैपटॉप ये अरेंजमेंट कर रहे हैं और एक बच्चे के लिए TFT का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि वो दोनों आराम से ऑनलाइन क्लासेस कर लें। बस मेरी रोटी फटाफट बन रही है, उधर मेरी दरानी बच्चों को खाना लगा के दे देगी। ये देखिए कितनी पतली हल्की सी सब्जी है और बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, तो बस ये मेरे बच्चों के लिए मेरी दीवानी लगा रही है खाना। मैंने सब रोटी बना ली थी और बच्चों को हम लोग ने खाना दे दिया है, और जैसा कि इस समय मैं डाइट पे हूँ तो ये मेरी है ओट्स की रोटी, जो कि मैंने आपको दिखाया मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं एंड में लास्ट में अपने ओट्स की रोटी बनाती हूँ, और बहुत अच्छी मेरी ये सब्ज़ी बनी थी। और ये है मिर्ची का अचार, तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। सब्जी मेरा स्पाइसी बना था इसलिए मैंने एक अचार लिया है, मुझे गीली सब्जी के साथ ऐसे कटा हुआ प्याज और ये हरे मिर्ची का अचार अच्छा लगता है, तो जब मैं हरे मिर्चा का अचार बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं एक ही रोटी लेती हूँ ओट्स की, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बच्चों के लिए ये अरेंजमेंट कर रहे थे, तो एक बच्चे के लिए TFT एंड एक बच्चे के लिए इनका लैपटॉप है, तो उसमें उन लोगों का क्लास चलता है, और मोबाइल में बच्चे जितना देर अपनी क्लासेस करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप में या TFT में बच्चों को आप क्लासेस कराइए कोशिश करके, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा लगातार इतना देर मोबाइल देखना। तो बस ये बच्चों के लिए इन्होंने पूरा सेट कर दिया है।
ऑनलाइन क्लासेस जितना हो रहा है उतना बच्चों के साथ लगना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, और टफ हो गया है। बच्चे स्कूल जाते थे, ढंग से पढ़ते थे, बट अब बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना हो गया है। तो एक बच्चा मेरा TFT में पढ़ेगा एंड एक बच्चा लैपटॉप में पढ़ेगा, और एक ही साथ नहीं बैठेंगे दोनों, थोड़ा डिस्टेंस में बैठेंगे, अलग बैठेंगे। बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो दूसरे रूम में लैपटॉप लेके बैठ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। TFT हो गई थी सेट एंड मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनके लिए आप छोटी से छोटी चीज़ ले आइए। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड मेरे किचन का काम भी हो गया था कंप्लीट। तो ये बर्तन हो गया क्लीन, साफ़ हो गया है। अब मैं बच्चों को देने जा रही हूँ दूध। मैं रात में कोशिश करती हूँ बच्चों को हेल्दी वाला दूध दूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइम पे जब सबको मतलब कोरोना इतना तेज़ी से फैला हुआ है, तो मैं हेल्दी वाला ही दूध देती हूँ। कल हम बनाएंगे राजमा, जिसके लिए मैं रात में ही भिगो के रख दूंगी राजमा, और मैं कटोरी से नाप के भिगोती हूँ। तो बस मैं आज अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप आने वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।